नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। मार्च के महीने में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में अगर जो स्वास्थ्य समिति से जुड़े लोगों की माने तो काफ़ी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस गर्मी के सितम से, इसके कहर से बच सके। ऐसे बता दें कि आने वाले 2 से 3 महीने में गर्मी काफ़ी अधिक होगी, क्योंकि मार्च में जब इतनी अधिक गर्मी है तो आने वाले वक्त में गर्मी जो होगी उस काफ़ी अधिक हो सकती है। ऐसे में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर हमने खासतौर पर बातचीत की डॉक्टर प्रियंका साई से। उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर आइए आपको बताते हैं। गर्मी का मौसम है, मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड हो चुका है। ये बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या लू का जिस तरीके से प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोग या बच्चे कैसे सावधान रहे? अभी तो गर्मी तो वाकई मार्च में जिस हिसाब से होना चाहिए था उससे अधिक ही लग रहा है। गर्मी से बचने के लिए बच्चों को अननेसेसरी बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। बच्चे ही नहीं, इनफैक्ट बड़े बूढ़े, जिनको बुज़ुर्ग, जिनको कुछ काम नहीं, अत्यंत आवश्यक काम नहीं है, उनको बाहर जाने से बचना चाहिए। और टाइम टू टाइम पानी, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, चीनी, नमक सबसे साधारण, सबसे ईजी उपाय है जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। और बस इसके अलावा मैम, जो न्यू बॉर्न बेबी है, अगर पेरेंट्स उनको लेके बाहर निकलते हैं तो उनके लिए भी कुछ? न्यू बॉर्न बेबीज़ को वही दोपहर के टाइम पे अवॉइड करें निकलना, जब लू की हवा चलती है उस समय अवॉइड करना है। कोशिश करें कि बच्चों को अगर निकालना ही है तो शाम के वक्त या फिर अर्ली मॉर्निंग वैसे वाले टाइम पर निकालें। और जो भी अभी मार्केट में फ्रेश वेजिटेबल्स आ रहा है, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, फिर जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, संतरा है, तरबूज है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वो सब चीज़ खाएं। मैम अभी मार्च का महीना है, इतनी अधिक गर्मी है तो आने वाला अप्रैल हो, मई हो, जून हो, अत्यधिक गर्मी होगी, उस कंडीशन में और कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को? अपने आप को ठंडा रखना है। ठंडा रखने का, अब सब तो एसी और कूलर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो पंखे में अपना आराम से रहें, कूलर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा के रहें, बाहर ना निकलें, छाता का यूज़ करें जब बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। स्किन को भी बचाना है धूप से, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे फ्लूइड्स लें। मोटे तौर पे बेवजह बाहर ना निकले और जो भी बेसिक चीज़, और फ्लूइड इनटेक अपना ठीक रखें, पानी पिएं, पानी के रूप में जो भी हो सकता है, शरबत हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है वो ORS का घोल भी बना के, इजी उपाय है, पी सकते हैं इलेक्ट्रोल। तो आपने देखा डॉक्टर प्रियंका साही ने बताया कि कौन कौन सी सावधानी को लेकर हमें काम करनी है, लिहाजा गर्मी का महीना है, खुद को ठंडा रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है खाने पीने में जिसमें कि पानी की मात्रा अधिक हो। तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, जिसमें पानी की अधिक मात्रा हो और आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में काफ़ी अधिक परेशानी होती है, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, जो अभी नए बॉर्न बेबी हैं उनके लिए, जो गार्जियन है उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। दोपहर के टाइम में उन्हें बाहर ले जाने से बचे और उसके दोपहर के बाद ही जो है बच्चे को घर से बाहर निकले, ताकि जो गर्मी का सितम है वो कम पड़े और जो बच्चे हैं वह बीमार ना पड़े। और जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे एक अपील भी की है कि बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि गर्मी का महीना है, ऐसे में तमाम तरह की जो परेशानियां हैं हो सकती है और मार्च में इतनी अधिक गर्मी है, ऐसे में जाहिर तौर पर सावधानी रखनी भी बेहद ज़रूरी है। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24 न्यूज़। कैमरा पर्सन विजय के साथ में सनी कुमार, पटना।